Hey guys, my name is Perigos Wild and welcome back to my channel. And guys, यार आज है दिन थोड़ा डरने डराने का. That's right guys, यार GTA 5 की दुनिया में यार कुछ scary myths भी होती हैं, जिनको आज हम लोग try करने वाले हैं. एक एक करके हम लोग सारी scary myths try करेंगे and देखेंगे क्या actual में GTA 5 की दुनिया में भूत होते हैं कि नहीं. So यार चलो सबसे पहले हम लोग myth देखते हैं. Okay, तो दोस्तों यार सबसे पहले myth में ये कहा जाता है कि अगर हम लोग GTA 5 की mine shaft में जाते हैं, अंदर जाते हैं टॉर्च लेके, तो हम लोग को कुछ अनोखी चीज दिखाई देगी. किसी का बेसिकली घोस्ट वोस्ट दिखाई देगा. सो चलो देखते हैं कि ये बंदा अंदर जा रहा है, क्या ऐसे कोई घोस्ट वोस्ट मिलता है. एंड ओके यार आई थिंक वहां पे कुछ पड़ा तो है. एंड ओ माय गॉड यार एक्चुअल में यार यहां पे किसी की बॉडी रखी है. बाय द वे मैं ये गेम खेल नहीं रहा हूं अभी, ये बेसिकली मैं यूट्यूब में दूसरी की वीडियोस देख रहा हूं. सो हां ओ माय गॉड यार एक्चुअल में से एक घोस्ट मिला है जो की बड़ा खतरनाक दिखाई देता है. एक सेकंड जरा कैसा दिखाई देता था, बहुत खतरनाक दिखाई देता है यार. इस घोस्ट का नाम बेसिकली दोस्तों आइजैक है. एंड अगर हम लोग फिर वापस से आइजैक घोस्ट को देख के वापस जाते हैं तो हम लोग को पत्थर हम लोग को रोकेंगे. लाइक लिटरली माइन शाफ्ट से हम लोग वापस जा ही नहीं पाएंगे, एकदम से ये पत्थर ही पत्थर आ जाएंगे इस GTA 5 गेम में. एंड हम लोग माइन शाफ्ट से बाहर ही नहीं जा पाएंगे. क्या एक्चुअल में ये GTA 5 में ऐसा होगा, आई डोंट नो, बट चलो यार इस चीज को ट्राई करके देखते हैं. ऑलराइट गाइस आई थिंक हम लोग अब माइन शाफ्ट की लोकेशन में पहुंच चुके हैं. यस यार ये माइन शाफ्ट यही. सो चलो अब इसे हम लोग को पहले उड़ाना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ के जो गेट्स हैं वो लॉक्ड रहते हैं. यप सो फटैक से यार इसका गेट हम लोग उड़ाते हैं. ये मैंने रॉकेट लॉन्चर डाला है एंड रॉकेट लॉन्चर ने गेट को तोड़ दिया, बहुत बढ़िया. एंड अब चलो यार माइन शाफ्ट के अंदर चलते हैं, लेकिन जरा टॉर्च निकाल के चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है. सो चलो चलते हैं. यार मेरे को थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है. कहीं वो भूत की लाश एक्चुअल में यहाँ पे हुई एंड वो लाश कहीं पे वापस जिंदा हो गई और हम लोग को पेलने के लिए पीछे पड़ गई, तो मेरा क्या होगा, आई डोंट नो. बट कोई बात नहीं दोस्तों, डर के आगे जीत है और जीत के आगे दोस्तों सब्सक्राइब का बटन है. सो प्लीज यार अगर अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो यार. उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा डालो. एंड ओ माय गॉड यार ये क्या है यार, वहां पे तो एक्चुअल में कोई बंदा लेटा हुआ है. यार क्या ये वही आइजैक वाला भूत है, आई डोंट नो, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है. लेकिन जय माता दी, थोड़ी हिम्मत करके हम लोग चलते हैं. आइजैक जी क्या आप ही यहाँ पे लेट के आराम ले रहे हो? आइजैक जी क्या आप ही हो? ओ माय गॉड ये एक्चुअल में वही है. नहीं यार ये तो वही घोस्ट है जो हम लोग ने वीडियो में देखा था. एंड इसकी भी आंखें खुली की खुली है. ओ माय गॉड यार इस एंगल से तो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है. आंखें कैसे फाड़ के बैठा हुआ है, दांत दिखा रहा है. आइजैक जी के दांत काफी ज्यादा वैसे साफ है, बढ़िया कोलगेट लगा लगा के रोज ब्रश करते हैं लगता है. सो हाँ बस यार मेरे को यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा. आइजैक जी से हम लोग अब मिल लिए हैं, तो आई थिंक हम लोग को अब वापस चले जाना चाहिए. एंड यार जैसा वीडियो में होता देखते हैं कि हम लोग के साथ वैसा ही होता है कि नहीं. एकदम से पत्थर आ जाने चाहिए अब एंड हम लोग का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाना चाहिए. ऐसा मतलब वीडियो में तो एटलीस्ट हुआ था, अब इसमें पता नहीं होता है ऐसा कि नहीं. सो चलो यार चलते हैं. एंड ओके यहाँ पे रास्ता खुला तो है, मैं तो जा पा रहा हूँ. हाँ मैं जा सकता हूँ. एंड ओके यार मैं तो निकल लिया, ये क्या बदतमीजी थी. यार वीडियो में तो लिटरली पत्थर पत्थर आ जाते हैं, हम लोग को जाने नहीं दिया जाता है. व्हाट द है, क्या हो गया आइजैक जी, आपका भूत लगता है एक्टिवेटेड नहीं है अभी. आपके भूत के सारे फीचर्स अभी लगता है एक्टिवेटेड नहीं है, कुछ ही फीचर्स एक्टिवेटेड थे. पता नहीं यार जो भी है, वीडियो में तो सेम ऐसे ही हुआ था. बस वो बंदा आइजैक से मिलकर आया था, आइजैक के भूत से, एंड फिर यहाँ पे एकदम पत्थर आ गए थे एंड वो बाहर नहीं जा पा रहा था. आई डोंट नो ऐसा क्यों नहीं हुआ. लेकिन ठीक है यार ये दोस्तों यार ये मिथ 50% भी कंप्लीट हुई, तो हम लोग यार इसे कंफर्म ही मानते हैं. यार मेन चीज तो कंप्लीट हो गई, हम लोग लिटरली आइजैक के भूत को देखे आए हैं. सो आई थिंक हम लोग ये मिथ कंफर्म मानते हैं. एंड अब चलो यार नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं. सो गाइस नेक्स्ट मिथ में बेसिकली ये कि अगर हम लोग इस एग्जैक्ट लोकेशन में जाते हैं ना, तो हम लोग को कुछ अजीबो गरीब क्लाउंस टाइप के दिखाई देंगे. लाइक लिटरली जोकर टाइप के दिखाई देंगे एक होटल में. ये देखो जैसे ये जोकर की उन जोकर लोग की वैन है, एंड इसी वैन से वो लोग इस होटल में आते हैं एंड वो लोग पता नहीं कुछ अपना काला जादू करते हैं. लाइक अगर हम लोग जब इस होटल के अंदर जाएंगे तो हम लोग को अजीबो गरीब चीजें दिखाई देंगी, जैसे ये पिग यहाँ पे घूम रहा है. एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ और पिग्स दिखाई देंगे, पता नहीं यार ये पिग्स यहाँ पे वैसे आ कैसे रहे हैं. बट जो भी है, डोंट ओ माय गॉड यार यहां पे तो किसी की डेड बॉडी भी है. ओ ये पिग्स बेसिकली इस डेड बॉडी को खा रहे होंगे, इसलिए ये पिग्स यहां पे हैं. सो हां हम लोग को ये पिग्स वगैरह दिखाई देंगे. उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं तो हम लोग को दिखाई देंगे ये वाले क्लाउंस जो कि पता नहीं चिकनी चमेली गाने में डांस कर रहे हैं. हाँ जी वो गरीब यार ये भूतिया क्लाउंस हम लोग को दिखाई देंगे. सो बेसिकली यही हम लोग की मिथ है. सो हाँ चलो यार इस वाली मिथ को भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं, जल्दी से उस लोकेशन में चलते हैं, लेट्स गो. ऑलराइट तो बॉयज हम लोग पहुंच चुके हैं द हॉन्टेड होटल में. एंड यार यही वाला वो हॉन्टेड होटल है क्लाउन वाला. एंड ओके गाइस यार वो वाली गाड़ी तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही है. आई थिंक यार वो गाड़ी यहीं पे खड़ी होनी चाहिए थी जो हॉन्टेड वाले क्लाउंस वाली थी. पता नहीं यार क्या चक्कर है यार, वो क्लाउन वाली गाड़ी है क्यों नहीं यहाँ पे. खैर कोई ना यार ऐसा करते हैं हम लोग होटल के
अंदर जाके देखते हैं। हो सकता है यार आज वो जोकर लोग अपनी गाड़ी से आए ना हो, आज वो ऑटो रिक्शा पकड़ के आए हो किसी ऑटो में आए हो, इसलिए वो गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। तो यार चलो यार चल के देखते हैं अंदर होटल के अंदर, मे बी हम लोग को कोई दिखाई दे जाए। यहाँ पे आराम से धीरे धीरे चलते हैं, बस कोई हम लोग को पकड़ के जकड़ ना ले। एंड ओके, इसी टाइप की लोकेशंस थी ना उस वीडियो में, आई गेस तो यही वाली थी। सो ओके यहीं पे यार वो पिक्स वगैरह होने चाहिए, लेकिन यार कोई दिख नहीं रहा अभी भी मेरे को। ऐसा करते हैं यार सारे कमरे देखते हुए चलते हैं, हो सकता है कोई कहीं पे हो। एंड ओ माय गॉड यार यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे को एकदम से डरा दिया। एंड यहाँ पे इतनी रात को मस्त ये लोग कॉफी की चुस्कियों के मजे ले रहे हैं। रात के 3 बजे तुम यार यहाँ पे क्यों कॉफी पी रहे हो? एंड ये भाई साहब भी पड़े हुए हैं, पता नहीं यार ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एंड मैं सर और आगे चाहता हूँ। ओके तो गाइस आई थिंक यार मैंने इस पूरे होटल को घूम के अच्छे से देख लिया है, एंड बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोग को लल्लू बनाया गया है। ये वाली मैथ 100% बस्टेड होती है यार, मेरे को कोई क्लाउन नहीं दिखाई दिया। क्लाउन के बजाय ऐसे गंजेड़ी नशेड़ी लोग दिखाई दिए जो कि टूटे फूटे होटल में नशा पत्ती कर रहे हैं। नॉटी बॉयज, तुम लोग को शर्म नहीं आती नशेड़ियों? हेलो ऑलराइट, तो अपनी थर्ड मिथ इस वाली एग्जैक्ट लोकेशन में होती है। बेसिकली यार इस लोकेशन में हम लोग को अंदर कुछ लोग दिखाई देंगे जो कि काला जादू कर रहे हैं, एंड यह बड़े खतरनाक सिस्टम वहां पे चलता है। सो यार हम लोग को इस बंदे को मार के अंदर जाना पड़ेगा, एंड फिर इस जगह में थोड़ा अंदर जाने के बाद हम लोग को ये लोग दिखाई देंगे। ये एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई देगी जहाँ पे लिटरली ये लोग देखो काला जादू कर रहे हैं, लिटरली यार शैतान की पूजा कर रहे हैं ये बूढ़े बूढ़े लोग। एंड ओ माय गॉड यार ये बूढ़ा आदमी लोगों को मारता भी है, ओ बेसिकली बलि चढ़ा रहा है ये शैतान को। ओ माय गॉड यार ये तो बड़ा खतरनाक है। एंड हम लोग फिर इन लोग को मार भी सकते हैं, ओ वाओ नहीं सर। चलो सही यार काला जादू वालों को चलो मारने चलते हैं, मजा आएगा। ओके तो गाइस हम लोग उसी एग्जैक्ट लोकेशन में आ चुके हैं जो कि हम लोग ने उस वीडियो में देखी थी। ये देखो वही वाला गेट, इसी गेट के अंदर जाके हम लोग को वो काला जादू वाले लोग दिखाई देंगे। सो चलो चलते हैं पहले, लेकिन हम लोग को उस बंदे को निपटाना पड़ेगा जो कि यार वहां पे खड़े होकर सिक्योरिटी दे रहा है। सो ऐसा करते हैं यार हम लोग अपनी स्नाइपर राइफल निकालते हैं, एंड स्नाइपर राइफल से जूम इन कर करके इन भड़ाऊ अंकल, नंगे भड़ाऊ अंकल को निपटा देते हैं। सो नंगे भड़ाऊ अंकल आई एम सॉरी बट यू हैव टू डाई, बाय बाय। एंड ओ माय गॉड यार ये क्या चक्कर है यार, रेड रेड देखो नीचे दो डॉट्स आने लगे। इसका मतलब यार दो लोग को पता चल गया कि हम लोग ने उस बूढ़े अंकल को मारा है। एंड यार ये लोग हम लोग मारने आ गए, व्हाट द हेक, इन लोगों को पता कैसे चल गया? यार मेरे को छुप के आना था, तभी तो यार इन रिचुअल्स वाले लोगों को मैं देख पाऊंगा। खैर कोई ना दोस्तों, मैंने इन दोनों को निपटा दिया है। अब चलो यार हम लोग एकदम आराम आराम से चलते हैं, ये दोनों तो निपट लिए हैं, बाय बाय सर जी। एंड यार चलो चलते हैं। ऑलराइट एकदम धीरे से गेट खोलते हैं, गेट खुल जाए दोस्तों। अरे गेट क्यों नहीं खुल रहा? अबे ये क्या चक्कर है यार, गेट नहीं खुलेगा तो मैं जाऊंगा कैसे? अच्छा साइड से आ सकता हूँ क्या? साइड से आई थिंक मैं जा पाऊंगा। अरे भैया गिरा जा रहा है हमारा फ्रैंकलिन। अरे यार इन लोग को भी पता चलेगा कि हम लोग आगे, यार इनको पता जैसे चल रहा है मैं तो छुप के तो आ रहा हूँ। खैर कोई ना, मेरे को सबको निपटाना पड़ेगा फिर हम लोग उन रिचुअल वाली जगह तक जा पाएंगे। दोस्तों आई एम सॉरी दोस्तों बट तुम लोग को मरना पड़ेगा, हमारे हाथों मरना पड़ेगा। रुको दोस्त तुम्हें स्नाइपर से मारूंगा, तेरे टकले पे मारूंगा। ओए होए मुझे मारना चाहता है लॉन्ची, तेरा एक बार टकला तो दिखा। एले और कौन बदतमीजी दे रहा है? ओके तुम दे रहे हो नंगू पंगू आदमी, बेटे कपड़े तो पहन के आओ फिर लड़ाई करना है, नहीं तो सारे नंगे आदमी किसको झांक रहे हो? हट तेरी। ऑलराइट इन लोग को हम लोग ने बेहोश मतलब मार डाला है, बेहोश नहीं किया है। एंड हम लोग यार कूद के अंदर भी आ चुके हैं इस गेट के, बहुत ही बेहतरीन, अभी तो सबको सही चल रहा है। अब चलो यार अंदर चलते हैं, देखते हैं यार रिचुअल वगैरह हो रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो। एंड यार रिचुअल तो यहीं भी हो रहे थे ना यार, रिचुअल तो यहाँ पे नहीं हो रहे हैं बल्कि ये लोग सब लोग मेरे को मार रहे हैं। अरे भैया पूरे लोग ने मेरे को घेर लिया, व्हाट द हेक, क्या चक्कर है? अरे यार कम से कम 20-30 लोग यार मेरे को मार रहे हैं यार, इन लोग ने मेरे को देख लिया। अबे यार तुम लोग क्यों मारे पड़े हो? मेरे को नहीं लड़ना तुम लोग से, मैं जा रहा हूँ ये सब छोड़ के। तुम लोग यार काला जादू तो कर नहीं रहे हो, फालतू में मेरी बिद बस्ट कर रहे हो, तो मैं चल रहा हूँ यहाँ से। सो आई थिंक गाइस यार बेसिकली यार यहाँ पे वो लोग तो हैं जो कि रिचुअल्स करते हैं जैसा हम लोग ने वीडियो में देखा था, बट ये लोग रिचुअल आज कर नहीं रहे, लाइक काला जादू आज नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक यार ये लोग आज छुट्टी में है, आई थिंक यार किसी स्पेसिफिक डे पे ही ये लोग रिचुअल करते होंगे, इसीलिए आई थिंक वो लोग काला जादू अभी नहीं कर रहे हैं। सो यार जो भी यार छुट्टी में है चाहे जैसे हो, हम लोग तो यार ये मिथ बस्टेड ही मानते हैं क्योंकि हम लोग ने अपनी आंखों से तो यार इनको नहीं देखा काला जादू करते हुए। शिट ऑलराइट बॉयज, नेक्स्ट कैरी मिथ का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट कैरी मिथ बेसिकली ये कि अगर हम लोग इधर पहाड़ी वाली लोकेशन में जाते हैं दोस्तों, एंड एग्जैक्ट रात के 11 बजे का इंतजार करते हैं, ये देखो मोबाइल में 11 बजने वाले हैं, एंड जैसे ही 11 बजते हैं दोस्तों हम लोग को एक पहाड़ी पे एक भूतनी दिखाई देती है। वो देखो वो रही भूतनी, ओ माय गॉड यार आई थिंक यार ये वाली मिथ एक्चुअल में कंफर्म हो सकती है क्योंकि आई थिंक ये मैंने एक बार पहले ट्राई भी किया है, एक्चुअल में ये भूतनी हम लोग को दिखाई देती है जैसा मतलब पहले मैंने ट्राई किया था। आई डोंट नो यार ये अब चीज काम करेगी कि नहीं, बट चलो यार ट्राई कर देती
देते हैं यार स्मिथ को भी, लेट्स गो। ओके तो गाइस आई थिंक हम लोग बस लोकेशन में पहुंच चुके हैं, यही कहीं लोकेशन में वो भूतनी हम लोग को मिलेगी। सो आई गेस हाँ यही वाली पहाड़ी थी आई गेस, या आई थिंक यही वाली कोई पहाड़ी थी। सो यहीं पे चलो खड़े हो जाते हैं हम लोग एंड जरा टाइम देखते हैं टाइम कितना हो गया है। सो अभी 22:49:50 हो रहा है। सो बेसिकली बस 10 मिनट में भूतनी हम लोग को दिखाई देने वाली है, जो कि रियल लाइफ में 10 सेकंड होता है। बस 5 सेकंड बचे हैं दोस्तों, यही कहीं भूतनी तुम लोग को दिखाई देगी, ध्यान से देखना। ऑलराइट 3, 2, 1 एंड ओ माय गॉड, एक्चुअली यार भूतनी मेरे को दिखाई दे रही है, वो देखो यार वारी भूतनी, ओ माय गॉड एक्चुअली चीज काम कर रही। जैसे ही 23 हुए मतलब 23 हुआ रात की 11 बजे, वैसे ही भूतनी जी हमारी आ गई। 11 बजे क्यों आती भूतनी जी आप, 11 बजे से आपको क्या लगा भाई, आई डोंट नो। बट चलो इसको जरा हम लोग जूम इन करके देखते हैं भूतनी जी दिख कैसी रही है। ओ माय गॉड काफी ब्लर हो रहा है यार, क्लीन फुटेज नहीं आ रही है। आई थिंक हम लोग को थोड़ा पैदल जाना चाहिए, थोड़ा भूतनी जी के पास थोड़ा हम लोग पैदल जाके देखते हैं। एंड थोड़ा सा तो डर लग रहा है दोस्तों मुझे, क्योंकि ये एक्चुअल की भूतनी है। बट ठीक है यार, भूतनी जी से मिलने का हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ है, पहली बार जीवन में मैं किसी भूतनी जी से मिला हूं, तो इस अवसर को हम लोग हाथ से नहीं जाने देंगे एंड भूतनी जी से हम लोग गले मिलके आएंगे। एंड ये देखो यार ये रही हमारी भूतनी जी, ओ माय गॉड डरावनी कितनी लग रही है यार, आंखों से ये गैसोलीन क्यों निकाल रही है, पेट्रोल निकल रहा है इनकी आंखों से, ओ माय गॉड बड़ा खतरनाक है। ये गायब कैसे हो गई, एक मिनट, हेलो भूतनी जी फिर आ गई, ओ ओके। जैसे ही हम लोग इनके पास जाते हैं भूतनी जी गायब हो जाती हैं। हेलो भूतनी जी व्हाट्सअप, आओ गले मिलने, एंड गायब हो गई। भूतनी जी को गले मिलने में मजा नहीं आता। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है JACK जैक, ओके ओके सो मैं समझ गया दोस्तों, खून से यहाँ पे जैक लिखा है, इसका मतलब यार भूतनी जी का जो आशिक होगा उसका नाम जैक होगा। एंड उस परवाने आशिक ने ही भूतनी जी को, मतलब जब वो एक लड़की थी भूतनी जी बनने से पहले वो एक नॉर्मल लड़की थी, तो उस नॉर्मल लड़की को उस बदतमीज जैक ने यहाँ से खाई से फेंक दिया होगा, इसीलिए यार अभी तक इन भूतनी जी की आत्मा यहाँ पे भटक रही है, अभी तक वो अपने जैक से बदला नहीं ले पाई है। ओ माय गॉड भूतनी जी आपके साथ बहुत गलत हुआ, उस जैक ने आपकी बैंड बजा दी। एंड ओ माय गॉड यार देखती कैसे यार, उनकी आंखें कैसी हैं, बड़ी खतरनाक लग रही है, वो तो हम लोग पास जाके देख नहीं पा रहे हैं वरना तो लिटरली कैसी लगती। एंड यस यार ये वाली मिथ भी हम लोग की कंफर्म होती है, मजेदार मिथ थी यार कसम से, मजा आया। चलो यार अब हम लोग नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं। ऑलराइट सो इस मिथ में बेसिकली हम लोग को इस लोकेशन में जाने का है, एंड इस लोकेशन में जब हम लोग जाएंगे दोस्तों तब हम लोग को दिखाई देंगे ये मरे हुए डियर एंड अदर एनिमल्स। लाइक यहाँ पे डियर हम लोग को बिचारी मरी हुई डियर दिखाई दे रही है, यहाँ पे किसी ने इसका बहुत ही भेरहमी से कत्ल किया है, या तो ये भेरहमी से कत्ल किया है या वो टमाटो केचप के ऊपर सो रही है, आई डोंट नो, जो भी ये भी डियर कर रही है आई डोंट नो। बट इसके बाद हम लोग को दोस्तों यहाँ पे कुछ और टमाटो केचप पे सोते हुए भेड़िए दिखाई देंगे, सबको पता नहीं क्यों टमाटो केचप इतनी पसंद आ रही है। एंड इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग और आगे जाते हैं तो हम लोग कुछ और जानवर दिखाई देंगे, ऐसे जानवर हम लोग को दिखाई देते जाएंगे एंड थोड़ी ही देर में दोस्तों हम लोग को दिखाई देगा लिटरली बिगफुट। ओह माय गॉड वो भी खोले खिलाकर मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ बिगफुट को देख के मैं बोल रहा हूँ, हाँ कुल्हाड़ी लेके बिगफुट आएगा हम लोग के पीछे एंड हम लोग को मारना चाहेगा। ओह माय गॉड बड़े खतरनाक है यार ये तो, अरे शॉटगन से फेल दिया इसने, लेकिन ये बिगफुट अभी भी नहीं मरा यार, गोलियों से इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा है, व्हाट द हेक, वो बड़ा खतरनाक यार ये बिगफुट यार, इस मिथ को तो ट्राई करना पड़ेगा, जल्दी से चलो ट्राई करते हैं। ऑलराइट बॉयज यार काफी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यार मैं काफी देर से यार यही उसी स्पेसिफिक लोकेशन वाले जंगलों में घूम रहा हूँ, लेकिन ना मेरे को यहाँ पे कहीं पे रोड में मरा हुआ डियर दिखाई दिया, ना ही मरे हुए वुल्व्स दिखाई दिए, और बिगफुट तो घंटा बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। मैं लिटरली बहुत देर से जंगल में ऐसे गोल गोल घूम रहा हूँ यार, मैं बड़ा एक्साइटेड था यार उसे देखने के लिए बट मिला ही नहीं यार बिगफुट। सो आई थिंक यार वो वाली मिथ फेक थी एंड यस ये वाली मिथ बस्टेड होती है, सैड यार। बट खैर जो भी है दोस्तों यार आज काफी मजा आई यार ये मिथ्स को बस्ट एंड कंफर्म करने में। एंड अब मेरे को जल्दी यार तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या तुम लोग चाहते हो दोस्तों कि हम लोग वापस से कुछ स्कैरी मिथ्स को कंफर्म एंड बस्ट करें। लाइक GTA में और भी कुछ स्कैरी मिथ्स हैं जो कि इधर-उधर इंटरनेट में घूम रही हैं, तुम लोग उनको भी ट्राई आउट कर सकते हैं। सो अगर तुम लोग चाहते हो मेक श्योर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एंड ऑल्सो यार इस वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बस यार दिस इज वेरी गुड बाय, मिलता हूं तुम सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।